हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार साथियों कैसे आप सभी लोग मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने और प्रिय परिवार एग्जामपुर में दोस्तों कैसे आप सभी लोग आशा करूंगा सभी लोग मस्त होंगे जोरदार होंगे जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो एक खुशखबरी की बात कर लेता हूँ खुशखबरी ये है साथी जितने मेरे प्यार साथी एस एस सी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए खास तौर पे खुशखबरी ये हो जाती है कि भाई साहब आपके लिए बहुत ही अच्छी एक मौका है तो लगभग बीस हजार पद पे आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है हाँ उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए कितने सारे तो बहुत सारे बदलाव किए गए मित्र आप होप आशा होगा कि आप सभी लोगों ने उस इवेंट को देख लिया होगा और आज भी बहुत सारे इवेंट आपको बताए जाएंगे क्या क्या बदलाव हुआ तो उन सभी चीजों के बदलाव के बारे में जानने के लिए आज मेरे प्यार साथी सबसे पहले तो सुबह में साढ़े सात बजे भी इवेंट है तो सभी इवेंट को देख लेंगे अच्छा कितने कितने साथी यहां पर हैं बताएंगे

उनको मैं बोलूंगा या आपके कोई पहचान के हो तो कल सुबह से ही कल सुबह से ही लग जाएंगे कल सुबह से ही लग जाएंगे लेट तो करना है नहीं चलेगा बाकी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड जरूर करेंगे यहां पर आपको बहुत सारी चीजें एग्जामपुर डॉट कॉम हो गया एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप हो गया वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट ये सभी चीजें मिलने वाला है तो याद रहेगा स्टेप वन आपको प्ले स्टोर पर जाना है वहां पर साथी क्या करना है एग्जामपुर को सर्च करना है एग्जामपुर को सर्च करेंगे जैसे एग्जामपुर आपके सामने देखेगा उस पर रजिस्टर करना और आपका एग्जामपुर में स्वागत हो जाता है तो यह काम जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऑफिशियल ऐप आप आपके लिए बड़ा हेल्पफुल करने वाला है चलेगा बढ़ते आज के पहले प्रश्न में पहला प्रश्न आपके सामने क्या हो जाता है मित्र सेमी नीति दो हजार ठीक है तो दो हजार बाईस सेमी नीति वाला पहला राज्य कौन सा बना स्टेट हैज बिकम दस्ट स्टेट टू लॉन्च द सेमी कंडक्टर पॉलिसी दो हजार बाईस और सताइस बताइए आसाम राजस्थान गुजरात या बिहार तो सेमी कंडक्टर नीति दो हजार बाईस सताइस से लागू करने वाला पहला राज्य कौन है वेरी वेरी गुड चलेगा तो कौन सा बना सती याद रहेगा सेमी कंडक्टर नीति दो हजार बाईस सताइस लागर वाला पहला राज्य कौन बना गुजरात बना ठीक है गुजरात बना वेरी वेरी गुड शाबाश आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरह बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया किस राज्य में ठीक है किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया तमिलनाडु तेलंगाना बिहार या झारखंड बोनालू किस राज्य में तौर पे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है बोनालू तो की बात करता हूं तो ये कहां पर माना जाते हैं इसी जो आपको हिंट के लिए बता देता हूं इसी राज्य में बहुत एक फेमस त्यौहार मनाया, मनाया जाता है मेदाराम जा यात्रा ये भी कमेंट करके बताएगा मेदराम यात्रा ये जो त्यौहार मनाया जाता है यह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तो मेदाराम जनजाति जन यहां पर इसलिए पूछ रहा हूं जनजाति यहां पर इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये किसी भी एक जनजाति के द्वारा मनाया गया सबसे बड़ा त्यौहार हो जाता है किसी भी एक जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला यह सबसे बड़ा त्यौहार हो जाता है तो अगर मैं मेदरम यात्रा की बात करता हूं तो याद रहेगा यह कोया जनजाति किसके द्वारा यह कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है सवाल पूछा कि कौन सा राज्य तो यह सभी चीज होगा तेलंगाना बुनालू महोत्सव कहां पे मनाया जाता है तेलंगाना मनाया जाता है बताइएगा फूलों का उत्सव बाथु कांबा कहां पर मनाया जाता कमेंट करके बताएंगे सबस कॉमनवेल्थ गेम दो हजार में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया ध्यान सुनिएगा। अगर मैं था? तो था? टोटल लेकिन सवाल से क्या भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया था तो कॉमनवेल्थ गेम अगर कॉमनवेल्थ दो की बात करता हूं तो मेरे प्यारे भाई कॉमनवेल्थ दो कौन ऐसा संस्करण था तो कॉमनवेल्थ दो हजार बाइस का संस्करण चल रहा था जिसका आयोजन, जिसका आयोजन आयोजन ठीक है याद संस्करण कहां पर कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहां पर किया तो बर्मिंगम ठीक है बर्मिंगम यूके में किया गया कहां पर बर्मिंगम यूके में खेला गया भारत के लिए जो पहला मेडल गोल्ड मेडल की यहां पे बात की गई तो मीरा बाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में जीता देव जीगा ध्यान से सुनेगा अगर मित्र आपसे ये पूछता है भारत के लिए गोल्ड मेडल मेडल किसने जीता था, किस था। यहां पे दो गोल्ड मेडल की बात की जाएगी लेकिन सवाल पूछेगा कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 2022 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता ठीक है पहला मेडल की बात करता हूं तो सिल्वर आया था पहला मेडल कौन सा आया था सिल्वर आया था और ये किसने जीता था संकेत सागर ने संकेत सागर ने भारत के लिए पहला मेडल जीता था सिल्वर था और याद रखेगा कौन सा संकेत सागर ने बताएगा 2026 कॉमनवेल्थ गेम कहां पर होगा 2026 कॉमनवेल्थ छब्बीस कॉमनवेल्थ गेम कहां पर होने वाला वेरी गुड 2026 संकेत सागर सबस 2026 कॉमनवेल्थ गेम कहां पर होने वाला है याद रहेगा यह या विक्टोरिया में होने वाला कहां पर होने वाला तो विक्टोरिया तो विक्टोरिया यूएसए में होने वाला कहां पर तो विक्टोरिया यू विक्टोरिया कहां पर ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम दो हजार छब्बीस होने वाला है ठीक है हाजी सबस चलेगा एक और सवाल पूछता हूं मैं आप लोग को कॉमनवेल्थ का कराया हूं रिविजन इधर पिछले हफ्ते ही कराया था मॉर्निंग वाली क्लास में इसी क्लास में मैं प्रीवियस का कराते चलता हूं आपको याद कराते चलता हूं आने वाले दिनों में भी बहुत बार कराऊंगा एक सवाल जवाब बताइए एक सवाल का आप मित्र जवाब बताएंगे कि जो कॉमनवेल्थ गेम दो हजार था भारत के लिए सबसे युवा प्रतिभागी के तौर पे कौन गया था या भारत के लिए सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पार्टिसिपेट किए थे सबसे युवा खिलाड़ी जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लिए थे जल्दी से कमेंट करके बता देंगे और किस खेल से बिलोंग करते ठीक है ठीके? किस राज्य में महिला अधिकारी जागरूकता के लिए महतारी रथ शुरू किएगा महतारी रथ किस राज्य शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया महतारी रथ ठीक है सबस मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई साहब भारत के लिए सबसे युवा खिलाड़ी कौन सी थी जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पार्टिसिपेट की कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पार्टिसिपेट की चलेगा अनाहत सिंह वेरी वेरी गुड अनाहत सिंह प्लेयर अनाहत सिंह प्लेयर हो जाती है अगला सवाल महतारी न्याय न्याय रथ ठीक है महतारी रथ की बात करता हूं छत्तीसगढ़ के द्वारा ठीक है छत्तीसगढ़ के द्वारा भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के द्वारा महतारी न्याय रथ याद रखिएगा दोस्तों मेहनत विकल्प नहीं होता इसका और आपको करते जाना है पढ़ते जाना है और मैं बार बार, बार बोलता हूं जो एक सपना हुआ करता था खासतौर तो पर ग्रामीण बच्चों का कि मेरा बेटा या मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं अब तुम्हें सपने को पूरा और आसानी तरीके से कर सकते हो आसान तो नहीं बोलूंगा लेकिन बदलाव हुआ है जो आपके लिए थोड़ा सा खासतौर ग्रामीण बच्चों के लिए थोड़ा सा एक आता था रुकावट के रे यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं इतना सारे इंग्लिश चीजें सारे चीजें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं तैयारी करेंगे शुरुआत करेंगे चलगा किस राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा वार्षिक अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता किस राष्ट्रीय उद्यान ने दूसरा अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे किस राष्ट्रीय उद्यान ने दूसरा आईयूसी रेंजर अवार्ड जीता है तो याद रहेगा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को और यह ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है याद रहेगा ओरंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूं कहां पर हो जाता है

उनके जगह पर किसे चुना गया है सुजय एस एल संजय और सुमंत गायल गायल या तपन का समंत गायल या तपन का बताएंगे ठीक है देखो अगर मैं एस एल की बात करता हूं तो याद रहेगा यह एस ठीक है एस एस बी के साथ साथ आई टी बी पी आई टी बी पी के क्या हो जाते हैं अतिरिक्त प्रभार संभाले हैं कौन सा

अपने गुरु जी का भी मोटिवेट करेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब और भी नए नए साथी क्लास में जुड़ते हैं हमारा मकसद ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को पढ़ाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और थोड़ा सा बस उसमें आपकी सपोर्ट की सहयोग होती है चलेगा सपोर्ट की उम्मीद होती है आपके लिए चलेगा तो किस देश में 300 300 सालों के बाद लुलो नाम का सबसे बड़ा गुलाबी रहा लुलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी रहा तो याद अंगोला अंगोला में मिला अगर मैं यहीं पर बात करता तो हूं अंगोला अंगोला की राजधानी क्या हो जाती कमेंट करके बताएगा अंगोला की राजधानी क्या हो जाती है मुद्रा क्या हो जाती है अंगोला की राजधानी मुद्रा तो अगर मैं अंगोला की राजधानी की बात करता हूं तो क्या हो जाता है लुआंडा लुआंडा और जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है राजधानी हो हो गई मुद्रा क्या जाती है है करके ठीक तो कुंजा करके क्या होगी इसकी मुद्रा होगी कुंजा क्या होगी मुद्रा होगी लुआंडा क्या हो गया राजधानी हो गया अंगोला की ठीक है वेरी गुड सबस अगला सवाल किससे डिस्टिंग इंडो लॉजिस्ट फॉर दो हजार इक्कीस पुरस्कार मिला हू हैज रिसीव्ड द डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार अवार्ड 2022 कमेंट करके बताइएगा डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2022 किसे मिला है? कमेंट करके बताइएगा नारायण कुमार जेफरी आर्मस्ट्रांग के केपी कुमारन अशोक सुता ये सभी के सभी नाम महत्वपूर्ण है आपके सामने सही है चलिए

मलयालम फिल्म के लिए नारायणन कुमार की बात करता हूं यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नारायणन कुमार की बात करता हूं किसको मिला था नारायणन कुमार को ठीक है जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड राइजिंग सन अवार्ड कौन आपके पास फिर ऑप्शन क्या हो जाता है जेफ्री आर्मस्ट्रांग ठीक है जेफ्री आर्मस्ट्रांग किसका किसका जवाब सही था किसका किसका जवाब सही था किसका किसका जवाब सही था चलेगा आगे बढ़ते हाल ही में भारत और किस देश ने ताड़ के तेल के कारोबार का समर्थन देने के लिए समझौता पे हस्ताक्षर किया हाल ही में हाल ही में भारत और किस देश ने ताड़ के तेल बोले तो पाम ऑयल ठीक है पाम ऑयल के ए, करबोर पर समर्थन देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे साइन किया बताएंगे भूटान मलेशिया मालदीव नेपाल भूटान मलेशिया मालदीव और नेपाल कमेंट करके बताएंगे हाँ जी जेसी ए, वो मिला था किसको के -पी कुमारन को मिला था के पी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड मिला था ठीक है तो ये कौन होगा मलेशिया के साथ ठीक है मलेशिया के साथ आगे बढ़ते विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस कब विश्व रेंजर दिवस कब कम कमेंट करके कम मना विश्व रेंजर दिवस कब तो याद 31st को थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई को विश्व रेंजर दिवस ऑफ जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाएगा वेरी गुड शाबाश शानदार चलो किस राज्य ने दो हजार इक्कीस में राज्य विधानसभा में सबसे अधिक बैठकें की है इंपोर्टेंट बनता है इंपोर्टेंट बनता है किस राज्य ने दो हजार इक्कीस में विधानसभा की सबसे ज्यादा बैठक हुई है एक सीठ एकसठ बैठक हुई थी कितने एकसठ बैठक हुआ था इस सवाल का जवाब दीजिएगा देखता हूं किसको किसको याद है क्योंकि भाई साहब यह इंपॉर्टेंट बनता है यह इंपॉर्टेंट बनता ठीक है अरे बिना मेहनत से देखो मेहनत करके जो चीज पाओ ना उसकी भाई साहब अलग ही मजा है उसकी एक अलग ही मजा एक आराम से मिल जाए एक आराम से मिल जाए वो तो चलो ठीक है और मेहनत करके पाओना उसका अलग ही मजा है उसको आप बचाए भी रहते हो यस आई हैव डन इट कुछ किया है चलेगा तो याद रखे साथ ही सबसे ज्यादा जो विधानसभा की बैठक हुई है कहां पर हुई है ये केरल में एकसठ बैठक होता दो हजार इक्कीस में कितने एकसठ बैठक होता अगले सवाल की तरफ बढ़ते पंडेव वर्मा को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त के रूप में राजदूत के रूप में चुना गया

चाइना की बात करता हूं तो प्रदीप कुमार रावत को ठीक है तो तो नवीन श्रीवास्तव कौन, तो कौन बने नवीन श्रीवास्तव बने ठीक है नेपाल में नवीन श्रीवास्तव बने अगर मैं आपके सामने बांग्लादेश की बात करता हूं किसके सामने आपके सामने बांग्लादेश के तो बांग्लादेश के पन्ने वर्मा किसके जगह पर बिक्रम सोरा विक्रम दोराई स्वामी के जगह पर किसके बिक्रम दोराई स्वामी के स्थान पर अगर मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि विक्रम दोराई स्वामी को कहां पर बना दिया गया अब बताइएगा विक्रम दोराई स्वामी ये जो प्रणय वर्मा बने कौन बने पर्णय वर्मा बने किसके जगह पे विक्रम दोराई स्वामी ठीक है किसके जगह पे तो बिक्रम दुराई स्वामी विक्रम दुराई स्वामी के जगह पे बने बताइए कि विक्रम दुराई स्वामी अब कहां पर अम्बेस्टर है ठीक है अब कहां पर है ये बताएंगे हा कनाडा में संजय वर्मा वेरी गुड पहले कनाडा में थे जापान में थे संजय कुमार वर्मा थे अब कहां पे चले गए ये कनाडा में चले गए इस तरीके से चीजों को रिलेट होना चाहिए किसको किसको ये पांच छह याद है तो विक्रम दोराई स्वामी को कहां पर भेजेगा यूके में भेजेगा क्या मित्र आपको याद करने में दिक्कत हो रही है नहीं ना हो रही है तो जुड़ जाओ भाई सब अपने मित्रों को मैं बोलूंगा पर्सनली जाकर बताइए कि मैं कितना मेहनत करता हूं आपके लिए सभी साथियों को जोड़ा करो आपको क्लास में बस पढ़ाता नहीं क्लास में याद कराकर भेजता हूं आपके लिए और पेपर में भी आपके एकदम डायरेक्ट करंट तो छपते हैं जीके जीएसपी मॉर्निंग वाली क्लास से यू ही तीन डिग्री नहीं किस पड़ोसी देश ने सैन्य शासक ने आपातकाल को हाल ही में छह महीने के लिए बढ़ा दिया था तो याद रहेगा अपना जिस पड़ोसी म्यांमार तो में, में, में बढ़ते कृषि <corh humili> अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप महा में इंपोर्टेंट बनता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में किस चुनगा महानिदेशक के रूप में किसे चुनेगा ध्यान से रखेगा देखो ऑप्शन के साथ मेरा जो भी प्रश्न होता है सक्सेना की बात करता हूं विनय कुमार सक्सेना याद रहेगा यह दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना की बात करता हूं तो दिल्ली के क्या हो जाते हैं यह उपराज्यपाल हो जाते हैं उपराज्यपाल हो जाते हैं किसके जगह पर तो अनिल बैजल के जगह पर अनिल बैजल के जगह पर दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने अनिल बैजल के जगह पर दिल्ली के उपराज्यपाल बने यह बने कौन सा विनय कुमार सक्सेना विनय कुमार सक्सेना पहले के, के प्रमुख थे खादी ग्रामोद्योग उद्योग के 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 आयोग प्रमुख प्रमुख थे तो तो उनके जगह कौन तो मनोज कुमार मनोज कुमार को के के प्रमुख बना दिया गया मनोज कुमार को केबीआईसी के प्रमुख तो याद रहेगा हिमांशु पाठक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ठीक है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बना देगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बना देगा वेरी वेरी गुड एग्रीकल्चर चलेगा किस राज्य ने पचहत्तरवें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्र स्वतंत्र भारत ब्रजोत्सव मनाने का निर्णय लिया था स्वतंत्र भारत ब्रजोत्सव याद रहेगा यह किसके द्वारा तेलंगाना के द्वारा ठीक है तेलंगाना के द्वारा आगे बढ़ते तीसरा संस्करण एक सैन्य क्या है एक सैन्यभ्यास है यह दो हजार बाईस में तीसरा संस्करण चल रहा है दर्ड एडिशन इज गोइंगउट ठीक है हो गया तो विनवैक्स भारत और किस देश के बीच में एक सैन्यभ्यास हो जाता है जिसका आयोजन सबसे पहले बताएंगे इसका आयोजन कहां पे गया। देश को चलो आपको याद होगा देश तो आपको याद होगा बताएंगे का आयोजन कहां पर किया। का आयोजन सवाल पूछेगा तो इसका आयोजन कहां पर किया गया आयोजन कहां पर चलिए किस राज्य में किया गया मुझे राज्य बता दीजिएगा किस राज्य में किया गया बस राज्य बता दिया मैं समझूंगा कि यस आप लोग पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत राज्य बता दीजिएगा ठीक है राज बताएगा वियतनाम हनोई मुद्रा डोंग याद रहेगा इसका जो आयोजन किया गया जगह हो जाता है चांदी मंदिर चांदी मंदिर तो चांदी मंदिर पोस्ट हरियाणा में इसका आयोजन किया गया कहां पर तो बिनबैक्स हो जाता चांदी मंदिर हरियाणा में बताइएगा उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच में पहली बार सनावेश उदार शक्ति मैं क्या बोला उदार शक्ति उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच में उदार शक्ति um भारत और किस देश के बीच में गारंटी कौन बोलता है करंट अफेयर मुश्किल होता है एक बार आकर देखो देखो पूरा का पूरा याद करेंगे मित्र पूरा का पूरा याद करेंगे बताएंगे उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच में उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच में भारतमान चौथा संयुक्त अभ्यास अल नजहर राजस्थान में तो सबसे पहला अल किस देश के बीच में भारत और रोमान के बीच में हो जाता है कहां पर यह राजस्थान में कहां पर राजस्थान में चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते कितने पीची बनोजी अभ्यारण जहां पर हाल ही में एक नई प्रजाति पाई गई देखी गई प्रोटोसिस्टा एना मलाइका एना मलाइका वाह एना मलाइका देखी गई ये किस राज्य में हो जाता है सिंपल सी बात है पीची बनोजी अभ्यारण्य कहां पर है

दो हजार बाईस इज बिंग एब्जोर्ड एवरी कब से कब मनाया जा रहा बस ये पूछा गया कि वर्ल्ड डे कब, कब मनाया गया पान कब से कब मनाया जाता है हर साल? एक से सात अगस्त दो से आठ अगस्त तीन से नौ अगस्त यह चार से दस अगस्त विश्व स्तन पान सप्ताह विश्व स्तन पान सप्ताह कब मनाया जाता शाबास विश्व स्तन पान सप्ताह कब मनाया जाता तो हर साल एक से लेकर सात अगस्त तक एक से लेकर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वर्ल्डिंग डेगा विश्व स्तर पान सप्ताह मनाया जाता है अगला सवाल व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग पान सप्ताह दो हजार बाईस का विषय क्या विश्व स्तन पान सप्ताह 2022 का विषय क्या हो जाता माता पिता को सशक्त बना स्थान पान कराने में सक्षम बनाना जीवन की नियु एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्थान समर्थन करे स्तन पान के लिए कदम बढ़ाए शिक्षित करे और समर्थन करे ठीक है एक से सात अगस्त सप्ताह की बात करता हूं तो स्तन पानी के लिए कदम बढ़ाए शिक्षित करे और समर्थन करे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी एकदम राइट आंसर चलेगा हाल ही में साथी ही देगा जो द्रास सेक्टर पॉइंट द्रास सेक्टर पॉइंट था उसका नाम बदलकर क्या कर देगा ठीक है सेंटर में से पॉइंट तो इसका नाम कर क्या कर तो देगा गन हिल किया गया सवाल पूछा किस युद्ध के लिए फेमस था किसके लिए जाना जाता था तो ऑपरेशन विजय ठीक है ऑपरेशन विजय ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर याद रहेगा को क्या कर देगा चलेगा राजपथ का नया नाम क्या कर देगा राजपथ का नाम बदलकर क्या बदलकर हाल ही में कौन एशिया के सबसे अमीर महिला बनी है याद देखा एशिया के सबसे अमीर महिला कौन बनी थी तो सावित्री जिंदल बनी थी सावित्री जिंदल बनी थी ठीक है आगे बढ़ता भारत और तीसरा भारत वियतनाम द्विपक्षीय अभ्यास बिनबैक्स का चांदी मंदिर हरियाणा में आयोजन किया गया आपको पढ़ा दिया ठीक है हरियाणा में किया आगे बढ़ते हैं राजपथ का नया नाम क्या होगा जल्दी से बताएगा अरे यही नहीं बता पा रहे हो क्या कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर्तव्य कर्तव्य पथ कर्तव्य कर्तव्यपात शाबास चलेगा लिमका स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसे अपना किसके साथ करार किया था तो याद नीरज चोपड़ा के साथ नीरज चोपड़ा पे ना मैं बोला हूं कि ग्रुप डी में बहुत सारे सवाल पूछे गए नीरज चोपड़ा पे गजब गजब सवाल पूछे जा रहे थे नीरज चोपड़ा किस राज्य से हैं किस खेल के हैं सबसे ज्यादा मेडल कहां पर ये, ये, ये पहली बार दो ओलंपिक में किसने साथी एकल में, में मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने कब मेडल जीता था ये सारे के सारे सवाल कितना दूर भाला फेकल मेडल जीता था ये सभी के सभी सवाल पूछे जा रहे हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट गुस्ताव में कौन टी ट्वेंटी में लगातार दो शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए या किस देश के एक और बात याद में में साथ शतक लगाने वाले सबसे युवा भी कौन बने ठीक है तो सबसे युवा तो टी ट्वेंटी में शतक लगाने वाले ये दो चीज बने थे सबसे पहले तो जब अपना ये मैच खेले तो जो पहला मैच खेले तो टी ट्वेंटी में याद रहेगा पहला मैच नहीं डेब्यू नहीं जब ये मैच खेले तो लगातार दो मारे थे तो उससे जो पहला वाला था ना टी ट्वेंटी में शतक लगाने वाला सबसे युवा टी ट्वेंटी में शतक लगाने वाले सबसे युवा कौन बने थे ठीक है सबसे युवा टी ट्वेंटी में शतक लगाने वाले सबसे युवा की बात करता हूं तो कौन बने थे तो ये बने थे बने गुस्ताव में कौन? फिर इसके बाद लगातार दो शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए यह किस देश के हैं साउथ अफ्रीका फ्रांस इंग्लैंड आयरलैंड साउथ अफ्रीका फ्रांस इंग्लैंड आयरलैंड ठीक है इंग्लैंड बता रहे साउथ अफ्रीका बता रहे बाकी इतने लोग फ्रांस बता रहे हैं साउथ तो जो फ्रांस बता रहे हैं बहुत सही शानदार फ्रांस वाले सही है तो अभी मैच चल रहा था क्वालिफाइंग चल रहा था क्वालिफाइंग चल रहा था वहां पर इसने वहाँ पे। तुम सोच रहे हो फ्रांस भी कोई क्रिकेट टीम है क्या अरे है है ही में मिंजर मेला कहां पर बनाया गया हाल ही में मिंजर मेला का आयोजन कहां पे किया मिंजर मेला का आयोजन कहां पे किया तो याद हिमाचल प्रदेश में मित्र हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला बताइए कि 25 में से कितना आपका सही हुआ पच्चीस में से कितना सही हुआ? मुझे लगता है कि आपको पच्चीस में से पच्चीस मॉन्की पॉक्स की स्थिति पर निगरानी करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया था किसके तो भारत ने मॉन्की पॉक्स पर निगरानी करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया था सवाल पूछा उस टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसके द्वारा उस टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है तो याद रखा बीके पॉल के द्वारा ठीक है बीके पॉल इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता करेंगे अगला सवाल किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना को शुभारंभ किया स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहा किस राज्य में किएगा बिहार कर्नाटक झारखंड या असम बिहार कर्नाटक झारखंड या असम स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति ठीक है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति साबस तो याद रहेगा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति की बात करता हूं तो कर इसका शुभारंभ कहां कहा कर्नाटक में किया कहां पर कर्नाटक में कर्नाटक के बताएंगे सीएम और गवर्नर कौन है कर्नाटक के सीएम और गवर्नर कौन है कमेंट करके जल्दी से बताएंगे ठीक है और यहीं पे साथी अगर आपको याद होगा तो काशी विश्वनाथ यात्रा योजना भी इंपॉर्टेंट यह भी बनता है ठीक है कर्नाटक नहीं अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ कुछ दिन पहले काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ ठीक है काशी विश्वनाथ यात्रा योजना काशी विश्वनाथ यात्रा योजना अगर वहां से काशी विश्वनाथ कहां पर अरे काशी विश्वनाथ कहां पर है मतागे? काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है तो यहां पर यात्रा करने पे सरकार मदद कर रही थी ठीक है सरकार कुछ फंड वगैरह मुझे लग रहा था दे रही थी ठीक है चलेगा बताएंगे चलेगा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने किस पड़ोसी देश को एक विस्तारित कोष सुविधा याद रखा विस्तारित कोष सुविधा पे हस्ताक्षर किया है रिसेंटली द इंडियन मॉनेटरी फंड हैज साइन द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी टू विच नेबरिंग कंट्री तो याद रखा या पाकिस्तान को किया जल्दी से बताएगा आईएमएफ की पहली डिप्यूटिंग मैनेजर किसे चुने गया। और आईएमएफ की आईएमएफ के

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज ठीक है पहली महिला जज पहली महिला जज नाम बताएंगे पहली महिला जज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज ठीक है पाकिस्तान में पहली महिला ट्रांसजेंडर पाकिस्तान में पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर ट्रांसजेंडर डॉक्टर अगला सवाल आपके सामने आएगा कि ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले पहली पाकिस्तानी महिला ग्रेमी अवार्ड ठीक है ग्रेमी अवार्ड जीतने वाले ग्रेमी अवार्ड जीतने वाले ग्रेमी अवार्ड जीतने वाले, वाले। पहली पाकिस्तानी महिला ठीक है पाकिस्तानी महिला इन तीनों नामों को भी साथ साथ बताएंगे ठीक है यह नाम आपको याद होना चाहिए नाम आपको हंड्रेड परसेंट याद हो जाना चाहिए जल्दी से वक्त तो देखो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली जज की बात करता हूं तो क्या याद रहेगा आयशा मलिक कौन हो जाती है आयशा मलिक हो जाती है आयशा मलिक हो जाते हैं पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर की बात करता हूं तो याद रहेगा सारा गिल सारा गिल क्या हो जाती है पहली ट्रांजे... ट्रांजें ट्रांसजेंडर डॉक्टर और पाकिस्तान की पहली महिला जिन्होंने ग्रेमी अवार्ड जीता ग्रेमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है बताएंगे तो ये हो जाती है आरूज जफताब कौन हो जाती है आरूज जफताब आरूज अफ्ताब पहली महिला थी ठीक है आरूज जफताब थी आरूज जफताब थी ठीक है क्लियर है अच्छा किसको किसको ये चारों के चारों नाम चलो ये तो करा ही ये तीनों नाम भी किसको किसको पता था एक बार ना ईमानदारी से बताइएगा मित्र ठीक है ईमानदारी से बताइए कि तीनों के तीनों नाम किसके मत भूलो ना यार नाम मत भूलो हाँ तुम तो ऐसे हो कि अपना नाम भूल जाओगे इनका नाम थोड़े भूलोगे बड़े खतरनाक हो नाम इनका नहीं भूलोगे अपना नाम भूल जाएंगे गुरुजी हम अपना नाम नहीं। हमको अभी भी पता है कि क्लास थर्ड में क्लास फिफ्थ में क्लास सेवेंथ में मेरे बगल वाले सीट पे कौन बैठती थी कौन बैठता था वो भूल गया कौन बैठता था वो तो भूल गया भाई सब कौन बैठता था उसको तो याद ही नहीं है भाड़ में जाए वो कौन बैठता था कोई मतलब नहीं लेकिन कौन बैठती थी वो याद है ठीक है तो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट बनता समझ रहे हो ना भावनाओं को समझ रहे हो ना चलिए किस राज्य ने सात जिलों को सात नए जिलों को बनाने की घोषणा की जिसके बाद कुल संख्या तीस हो जाएगी तो देखो यहां पर तेईस जिला है कहां पर पश्चिम बंगाल में सात और तेईस हो जाएगा सात और के कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते किस राज्य ने छात्रों के लिए डिजिटल जाति याद रखिए इंपॉर्टेंट बनता किस राज्य ने छात्रों के लिए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र शुरू किया मिशन भूमिपुत्र शुरू किया याद रहेगा डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मिशन भूमिपुत्र टू इश्यू डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट बस एक बार सर हमें तो याद भी नहीं अरे तो स्कूल गए होगे तब ना याद होगा स्कूल गए होगे तब ना याद होगा बताओ अपने टेंथ क्लास में सबसे बेस्ट मित्र का नाम चलिएगा मिशन भूमिपुत्र किसके द्वारा तो आसाम के द्वारा ठीक है आसाम के द्वारा मेरे प्यार लॉन्च किया गया था मिशन भूमिपुत्र मिशन भूमिपुत्र की बात करता हूं तो यह आसाम के द्वारा लॉन्च किया गया था ठीक है आसाम के द्वारा आगे बढ़ते हैं मुद्रा स्थिति को निपटने के लिए किस देश ने दे मुद्रा के रूप में सोके का सोने का सिक्का लॉन्च किया था सोने का सिक्का गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया गया था स्कूल भी जाना पड़ता भैया ठीक है हां सब लिखने लगे चलेगा तो सोने का सिक्का कि, किसने जारी किया था सोने का सिक्का किसने जारी किया था तो याद रहेगा सोने का सिक्का साथी जिम्बाब्वे ने जारी किया था कौन सा जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी क्या हो जाती है कमेंट करके कर बताएंगे ठीक है जिनकी राजधानी दो तीन चीजें स्कूल से थोड़े बोलते हैं प्रिंसिपल का नाम नहीं भूलते हैं हम तो हमेशा मनाते थे अपने प्रिंसिपल वाले की कब 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 चलेगा महिला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2022 का मनाया जाता मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2022 हजार बाईस का मनाया जाता बात है कब की साथी 2019 की बात है कब की 2019 की बात है कब की 2019 की बात है एक अगस्त 2019 की बात है जब भारत सरकार के द्वारा तीन तलाक को खत्म कर दिया गया था क्या बात 2019 की है जब भारत सरकार के द्वारा एक अगस्त दो को ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया गया था समाप्त कर दिया गया था और जैसे ही उसका एक वर्ष बीता यानी कि 2020 में ठीक है कब तो मैंने बोला एक अगस्त ये जो डिसीजन लिया गया था इंपोर्टेंट डिसीजन लिया गया था एक अगस्त 2019 को क्या किया गया ट्रिपल तलाक या देखा जो ट्रिपल तलाक था ट्रिपल तलाक था इसको क्या कर दिया समाप्त किया गया ठीक है समाप्त किया गया और जैसे ही इसका एक अगस्त मिलता एक अगस्त दो को ठीक है अगस्त 2020 को यानी कि पहली बार कब मनाया गया था अगस्त 2020 को क्या मनाया गया तो महिला मुस्लिम अधिकार दिवस को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना बना ठीक है साबरी नाम के ऐसा टैक्सी सेवा हो जाती है साबरी नाम के आगे बढ़ते हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो याद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो देखो एक हो जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक हो जाता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई हो जाता है। यहां पर पीआईबी बोला गया ठीक है पीआईबी पीआईबी आपके करंट अफेयर पढ़ाने में बहुत इंपोर्टेंट रोल निभाता है तो पीआईबी के साथ याद पीआईबी के नए महानिदेशक रूप में चुनेगा सुमन के बेरी सुमन बेरी की बात करता हूं तो नीति आयोग के क्या है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सुमन बेरी नीति आयोग के क्या है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जल्दी से कमेंट करके बताएंगे अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल से पद से इस्तीफा दिए उनके जगह पे नवीन कुमार सक्सेना विनय कुमार सक्सेना मनोज, मनोज कुमार के मनोज कुमार केबीआईसी बाकी सत्येंद्र प्रकाश को क्या बनाया गया याद का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के सत्येंद्र प्रकाश को बनेगा अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं सवाल है भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई का किसे बनेगा तो पीसीआई का किसे बनेगा रंजना प्रकाश देसाई को ठीक है रंजना प्रकाश देसाई को ठीक है ठीक है रंजना प्रकाश देसाई जी के बारे में दो तीन चीजें और समझिएगा रंजना प्रकाश देसाई देखो बाबू ना मित्र याद करते जाना रंजना प्रकाश देसाई रंजना प्रकाश देसाई को पीसीआई के चुने जाने वाली पहली महिला ठीक है दो तीन चीजें और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं दो तीन चीजें और जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन कमीशन था जो डिलिमिटेशन कमीशन था उसके भी जो हेड थी रंजना प्रकाश देसाई थी ठीक है डिलिमिटेशन कमीशन था उत्तराखंड ने यादरेगा सिविल कोड लाने की बात की सिविल की बात की यहां पर राष्ट्रपति क्षेत्रों पर मजबूती देने के लिए भारत की यात्रा पर है भारत की यात्रा किए थे सिंपल सी बात है इब्राहिम मोहम्मद सोली किस देश के किस देश के राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पर आए थे भारत की यात्रा पर आए थे जल्दी से बताएंगे इब्राहिम मोहम्मद देश के राष्ट्रपति दे जो भारत की यात्रा ये मालदीव ठीक है मालदीव मालदीव की यात्रा कौन से हो समुद्री अभ्यास MPX, समुद्री अभ्यास MPX, समुद्री अभ्यास एमपीएक्स चालू किया तो याद अटलांटिक महासागर में फ्रांस के साथ किया था जबकि अंडमान सागर में जापान के साथ अंडमान सागर में जापान के साथ चलू कहता सही है आईटीबीपी के, के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किससे मिला है याद रहेगा आईटीबीपी के इंदन टिबेटन बॉर्डर पुलिस के फोर्स के महा ये अतिरिक्त एडिशनल चार्ज किससे देगा देखो तो जो आईटीपी बीपी के जो प्रमुख थे जिनका नाम था संजय अरोड़ा संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया संजय अरोड़ा का क्या बना दिया गया दिल्ली पुलिस कमिश्नर तो आई टी बीपी के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया कमेंट करके बताएंगे आईटीबीपी के प्रमुख के रूप में हाँ जी बाबू बाद में बता दूंगा अभी पढ़ लीजिए ठीक है अभी पढ़ लीजिए क्लास कैसे कैसे होती है आपको बता दूंगा देखो क्लास में ना पढ़ने की अभी कोशिश किया कीजिए ठीक है चलेगा तो थावसन को जो एस के भी है उनको बना गया राष्ट्रमंडल के दो हजार बाईस में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता था तो टेबल टेनिस ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता था तो लगभग आप लोग को दो या तीन क्लास में मैंने ओलंपिक करवाया था दस दस प्रश्न करके इसको कभी एक साथ भी मर्ज कर देंगे और बार बार इसको रिपीट करते हुए चलना ठीक है बार बार इसको रिपीट करते हुए चलना मॉर्निंग वाली क्लास में ठीक है ये रोज सुबह छह बजे तो याद रहेगा सिंगापुर को हराकर टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता था किसको हराकर सिंगापुर में ठीक है सिंगापुर में सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता था ठीक है मित्र आगे बढ़ते सिफारिश तो किए थे मुख्य न्यायाधीश के, मुख के रूप में रूप में, में आ रही है एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं यस, हम कर रहे हैं अच्छे जगह से पढ़ रहे हैं एक कॉन्फिडेंस आ रहा है ना मित्र कमेंट करके बताएंगे भारत के उनचासवे मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुनेगा कमेंट करके बताएंगे उनचासवे मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश और जो रात में दस बजे वाली क्लास है आप लोग को बता देना चाहता हूं तो रात में मित्र अभी में थोड़ी देर में बताता हूं तो याद रहेगा यू ललित को ठीक है यू यू, यू ललित को, को। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य में प्रेसिडेंट कलर दिया है तो देखिए उस समय तो उपराष्ट्रपति कौन थे वेंकैया नायडू जी थे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है याद रहेगा वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति पता चला कि यहां पे भी गलती बना दे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है कमेंट करके बताएगा वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है कमेंट करके बताएगा वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हो जाते हैं वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जल्दी से बताएगा अगस्त 2022 में इसको छोड़ते हैं ठीक है इसको छोड़ते हैं बस आपको साथी क्योंकि बाद में और जोड़े थे बस ये वाला प्रश्न को लेते हैं नौ नौ नामित नो नामित रामसर स्थल कुथन कुलम पक्षी अभिरण किस राज्य में है तो आपको मित्र अगर मैं बात करूं वर्तमान में कितने रामसर साइट है ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करता हूं वर्तमान में कितने रामसर साइट बताएगा भारत में रामसर साइट बताएगा कितने हैं भारत में रामसर साइट देखो यहां पर भी गलती कर देंगे भारत में रामसर साइट अच्छा एक बार मित्र एक और सवालों का जवाब देखो मैं भारत में रामसर साइट की बात करता हूं तो कितने हैं पचहत्तर टोटल कितने पचहत्तर हो जाते हैं दो तो हजार 2022 में, 2022 में जुड़े हैं ठीक है 2022 में 28 जुड़े मेरा मेरा सवाल आप ये है, मेरा सवाल आपसे आपसे है दो है कि ये 28 रामसर साइट किसको किसको याद है ये 28 वाला किसको किसको याद है मैं तो आपको याद करवाया हूं यहां से मुझे पता भी चल जाएगा कितने बच्चे सीरियसनेस और रेगुलर रहते हैं ये किसको किसको याद है कुथनकुल्ला में पिचवरम बताएंगे करी कल्लई ये सभी चीज कहां पर जाते हैं और सबसे ज्यादा अब तमिलनाडु में हो गए अड़सठ मित्र क्या एक बात बताइए मैंने आपको याद कराया कि नहीं लगभग 28 मुझे लगता अब आपको रट गया होगा रट गया है ना अट्ठाईस का अट्ठाइस कैसे याद हुआ कैसे याद हुआ ये आपकी मेहनत से ये नहीं कि सर सर नहीं नहीं मैं वही बोल रहा था जो बच्चे बोल रहे ना सर आपकी कृपा मेरी कुछ नहीं कृपा कृपा आपकी है आपकी मेहनत की मैं तो ये सभी बच्चों के लिए पढ़ाया ना और एक दिन थोड़ा करा कम से कम दस दिन करा पंद्रह दिन करा और आगे आने वाले समय में भी पढ़ाऊंगा इसको बार बार रिविजन कर मुझे पता है कि यहां से सवाल पूछेगा किस तरीके से ऑप्शन के साथ कर लेंगे नहीं बाबू आपको एकदम

चलेगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामान्य शिक्षा राहत सहायता चिराग योजना शुरू कीगा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस चिराग योजना तो याद रहेगा हरियाणा के द्वारा ठीक है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ठीक है हां एक बच्चा सही बोला आपका क्रीपर मेरा सहयोग चलो अच्छा बात है निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिया इंपोर्टेंट बनता ठीक है सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ठीक है सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर तो मित्र में बता रहा था कि जो रात वाली क्लास थी दस बजे वाली ठीक है ध्यान से सुनेगा जो दस बजे वाली क्लास थी इसमें क्या करता था मैं बीस प्रश्न कराता था बीस प्रश्न उससे रिलेट करके मतलब कि 20 से मान लीजिए कि 20 से कितना प्रश्न प्रश्न कराता कराता था 25 डेली करंट अफेयर बेस्ड होता था ठीक है डेली करंट करंट अफेयर बेस्ड बेस्ड होता 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 था ये क्या होता था बेस्ट होता था क्या ठीक है लेकिन मैं इसमें क्या सोचता हूं यह तो रहे थोड़ा सा पंद्रह मिनट क्लास को आगे बढ़ा देता हूं और कुछ प्रश्न जैसे कि मैं चाहता हूं कि इंपोर्टेंट हो जाता है टॉपिक वाइज हिसाब से दो दिन ये करा दू मंडे हो गया ट्यूसडे हो गया वेन्सडे हो गया थर्सडे हो गया फ्राइडे हो गया सैटरडे हो गया दो दिन आपको पांच से सात मतलब पांच से सात प्रश्न याद रखो जियोग्राफी का जोड़ दू ठीक है फिर इसके बाद पांच से सात ही जोड़ दू कितना हिस्ट्री का प्रश्न जोड़ दू पांच से सात ही पॉलिटी का प्रश्न जोड़ दू कभी इतिहास का कभी हिस्ट्री का कभी पॉलिटिकास्त्र का, का यह कैसा आइडिया है रात वाली क्लास की बात करो रात में दस बजे वाली क्लास की बात करो बताएंगे चलेगा हाँ तो सन कल आइएगा कल आपको करा दूंगा सीबीसी के रूप में किसे चुनेगा तो सुरेश सेन पटेल को ठीक है सुरेश सेन पटेल को सीबीसी के रूप में चुना गया ठीक है सुरेश सेन पटेल को ऑप्शन ऑप्शन के के साथ के साथ खिलवाड़ खिलवाड़ करोगे कर सकते हैं कैसे वर्मा को बांग्लादेश में राजदूत वर्मा को क्या बांग्लादेश में राजदूत बीके त्रिपाठी को बोल सकते हैं तो रेलवे के सीओ और मनोज पांडे भारत के क्या हो गए तो मनोज पांडे की बात करता हूं तो भारत के साथ क्या हो जाते सेना प्रमुख हो जाते हैं बताएगा कौन से नंबर के ये आइडिया बताएगा कि मैं रात वाले में दो दो दिन दो दिन क्या करो एकदम जीरो से स्टार्ट करो पहले प्रश्न जैसे ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा तो इंडियन ज्योग्राफी से कैसे बना क्या हुआ सारी चीजें उसी तरीके से हिस्ट्री से उसी तरीके से पॉलिटी से पॉलिटी आप बाद बार बार, बार वैसे बोलते भी हैं कि सर अनुच्छेद कराइए ये कराइए वो कराइए हाँ ऑप्शन के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कीजिए आप खिलिए ऑप्शन के साथ किस राज्य के बाल किस राज्य ने बाल शिक्षा वृत्ति को रोकने के लिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान याद रहेगा

अपने भीख ना दिया करें उन्हें खा, खाले खिलाने करना तो तो रुकती है ना रेड लाइट पे गाड़ी रुकी तो हमसे पैसा वो की पैसा दे दो पैसा दे दो तो हमारे पास चेंज था नहीं वैसे भी मैं पैसा ये कभी देता नहीं तो हमने खाना पैक करवाया था तो हमने पूछा कि भूख लगी है बोले कि हाँ लगी है तो बोले कि पैसा भूख तो देख लेते चलिए खाना आप खा लीजिए हम लोग बाद में खा लेंगे तो नहीं सर पैसा मतलब हमको पैसा दे हमको तीन चार सौ रुपए के बहुत अच्छे खाना दे रहे थे उन्होंने पता है खाना तो ले लिया लेकिन मैंने हमने देखा कि वो जाकर ऐसे रोड पे फेंक दिया तो ये भी ना देखो यहां से भी एक दो लोगों के कारण यहाँ से भी फिर वो होता है कि अरे यार ये ऐसे करते हैं समझे मेरी बातों को तो वाल ऑपरेशन मुक्ति अभियान किसके द्वारा ऑपरेशन मुक्ति ये कभी कभी कुछ देख कर ना फिर ना उम्मीद टूटने लगता है दोस्त की क्यों क्यों लेकिन फिर नहीं कि एक लोग के चक्कर में बाकी लोग को बर्बाद इससे भी खतरनाक हुआ था जब मैं एक बार नासिक से आ रहा था मैं अपने सिस्टर के साथ था तो मैंने बोला देखो खतरनाक कितनी कहानी मैं नासिक से आ रहा था सिस्टर के साथ था तो एक आया मैं बोला कि भैया नहीं दूंगा आपको कुछ खाना है तो बोल लीजिए तो पता है क्या बोला कि सर ये पान मसाला एक खिला दो एक कि अरे ससुर मतलब दीदी भी बोल रहे हैं कि छोड़ दो इसको विलियम <coughs> फेल्टर विलियम <र। coughs> फेल्टर रसल जिनका निधन होगा वो किस खेल से तो वैसे भी एक लोग से करके कर वैसे जज नहीं करना चाहिए एक कर याद रखा तो फेल्टर रसेल ये बास्केटबॉल बा। के बहुत ही एक शानदार खिलाड़ी थे ठीक है बास्केटबॉल बा। के बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे आगे बढ़ते भारत के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन चुनेगा भारत के लिए विश्व बैंक के तो कंट्री निदेशक के, के रूप में रूप में चुना गया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते मित्र आदिपुर महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया तमिलनाडु में आदिपुर महोत्सव 2022 तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया अगले सवाल की तरफ बढ़ते

विशेष बैठक के लिए यूएनएससी सदस्यों की मेजबानी करेगा तो याद अपना प्यारा भारत करेगा कौन करेगा अपना प्यारा भारत करेगा यूएनएससी यूएनएससी में कितने सदस्य कमेंट करके बताएंगे यूएनएससी में कितने सदस्य देखो ये उस समय की बात है आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा ये तो किया जाएगा था अगर मैं बात करता हूं किस शहर में किया गया या किस शहर में किया गया ये ऑप्शन को भूल जाइए या ऑप्शन में एक और चीज जानते किस शहर में किया गया तो याद रहेगा मित्र यह दिल्ली में होने वाला था लेकिन कहां पर किया गया ग्रेटर नोएडा में अब किया किया गया कहां पर यह या या बारह से लेकर बारह से लेकर पंद्रह सितंबर तक कहां पर जेड़े किया गया ग्रेटर नोएडा में कहां पर किया गया ग्रेटर नोएडा में किया गया बताइए विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं विश्व दूध दिवस से कब मनाया जाता है टी ट्वेंटी में पांच सौ विकेट पांच सौ रन पचास विकेट पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए टी ट्वेंटी की बात की जाए टी <t -20> ट्वेंटी में पचास विकेट और पांच सौ रन टी ट्वेंटी में पचास विकेट और पांच सौ हाँ जी ग्रेटर नोएडा जब उस समय जब हुआ था कि बताया गया था कि कहां पर किया जाएगा उस समय यह बताया गया था कि कहां पर किया जाएगा लेकिन जब आयोजन हुआ कहां पर हुआ तो याद रहेगा ग्रेटर नोएडा में चलेगा टी ट्वेंटी में पचास विकेट और पांच सौ रन पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने तो हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या ठीक है चलेगा आगे बढ़ते हैं। पावर प्ले में कुछ महत्वपूर्ण देखो इस तरीके से मैं सोच रहा हूं अजरात में आप बताएगा कैसा आइडिया संडे को थोड़ा सा वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो मैं सामने बैठकर कर रहा था क्वेश्चन क्योंकि खुद मुझे बनाना पड़ता है तो ज्यादा समय भी लगेगा ऑप्शन सेट करने में तो इसी तरीके से बस वन लाइनर आपके सामने लेकर आऊंगा हाल ही में पावर प्ले टी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने Play, मतलब तो पावर प्ले मतलब कि शुरुआती ओवर में में क्रिकेट विकेट लेने वाले कौन बने हैं तो याद रहेगा इनका नाम हो जाता किनका क्या नाम हो जाता तो इनका नाम हो जाता मित्र भुवनेश्वर कुमार किसका भुवनेश्वर कुमार ठीक है भुवनेश्वर कुमार इनका क्या नाम हो जाता भुवनेश्वर कुमार नाम हो जाता अगले सवाल की तरफ बढ़ते अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले तीसरे गेंदबाज बल्लेबाज कौन बने यह हालांकि पिछले साल की बात है याद रहेगा किरण पोलार्ड किरण पोलार्ड किस देश से है कमेंट करके किरण पोलार्ड हो जाते किरण पोलार्ड हो जाते किरण पोलार्ड हो जाते ठीक है आगे एजाज पटेल एक पारी में दस विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने याद रहेगा यह या किस देश से हो जाते हैं एजाज पटेल तो यह दिसंबर दो हजार बाईस की बात है दिसंबर दो हजार इसी तरीके से दोस्तों वन लाइनर के फॉर्म में रहेगा ठीक है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा पाऊंगा कर लूंगा चलेगा तो एजाज पटेल तो की बात करता हूं तो न्यूजीलैंड के ठीक है यह न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड को हैं आगे बढ़ते प्रथम श्रेणी में डेब्यू पे तीसरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने तो बिहार के लाल हो जाते बिहार के लाला बिहार के तो ये बिहार की बात है थोड़ा सा भोजपुरी पढ़ देता हूँ अंग्रेजी भी पढ़ देता हूँ भोजपुरी सुनना प्रॉपर भोजपुरी देखो भोजपुरी क्या होती प्रॉपर भोजपुरी हमसे सुनोगे एकदम प्रॉपर भोज इधर वाले नहीं का करत हुआ ये भोजपुरी नहीं हुआ का करत हुआ ये भोजपुरी नहीं हुआ एकदम प्रॉपर भोज हवा कुछ शब्द ही नहीं है का करत हवा भोजपुरी में हवा होता है ठीक है का करत बावा का करत बावा ये ज्यादा प्रॉपर तो प्रथम से नहीं ठीक है प्रथम से नहीं डेब्यू पर तीसरा शतक लगावे वाला भारत के पहला खिलाड़ी कौन बनल बा भारत का ही नहीं विश्व के पहला खिलाड़ी के बनल बा तो विश्व के पहला खिलाड़ी के बनल बा तो याद रहेगा सकीब हसन ठीक है सकीब हसन ला मैं गलत बता दिया ठीक है सकीब हसन ने सकीब गनी याद रहेगा सकीब गनी ठीक है तो कौन बने सकीबल गनी बने ठीक है सकीबल सकीबल गनी बने यह बिहार के खिलाड़ी जो सकीबल गनी बने याद रहेगा सकीबल गनी बने बिहार के टेस्ट क्रिकेट के किसी भी टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज पचास रन बनाने वाले कपिल देव को रिकॉर्ड को किसने तोड़ा तो कपिल देव के पास एक रिकॉर्ड था टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कपिल देव के पास एक रिकॉर्ड था टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कितना पचास रन सबसे तेज पचास रन मारे थे यह उन्नीस का रिकॉर्ड है तो 40 साल बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ा किसने तोड़ा तो ऋषभ पंत ने

कब से उसका जवाब रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तू जवाब भी दे रो भैया भाई आप जवाब भी दे रहे हो बस खड़ी खींचे चलो बढ़े चलो बढ़े चलो आप बढ़ ही नहीं रहे होता है ना धक्का दे बढ़े चलो बढ़े चलो आप पीछे से बढ़ ही नहीं रहे आप भी जवाब दीजिए ठीक है नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट 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 सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं और बाकी वो लिख रहा है नेक्स्ट 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 ऐसा कहा कर रहे हो ठीक है लक्षदीप पर दोस्त ये लक्षदीपा पे लक्षदीप में ठीक है निम्नलिखित में से किन दो देशों ने अमेरिकी सीनेट में नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है यानी कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य हैं सदस्य है। नॉर्थ इसका क्या हो जाता है सदस्य जो कि 2020 में जुड़ा था दो और नए सदस्य इसमें जुड़ना चाहते हैं कौन कौन से देश हो जाते हैं तो फिनलैंड एंड स्वीडन नाटो में फिनलैंड एंड स्वीडन नाटो में फिनलैंड एंड स्वीडन जुड़ना चाहते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते नाटो में कौन जुड़ना चाहता है फिनलैंड एंड स्वीडन नाटो में जुड़ना चाहते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हाँ जी नाटो नाटो हाल ही में का शिखर सम्मेलन कहां पर वन ठीक है बताएंगे देखो अगर मित्र आपसे मैं बात करता हूं ध्यान सुनिएगा अगर मैं आपसे बात करता हूं नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन चार अप्रैल उन्नीस में इसका गठन होता है चार अप्रैल उन्नीस में इसका गठन होता है याद रहेगा अगर मैं बात करता हूं देखो ध्यान से सुनेगा गठन कहां पर वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय कहां पर ब्रुसेल बेल्जियम में इसका मुख्यालय कहां पर है ब्रुसेल बेल्जियम हो जाता है सवाल पूछा है नाटो का 2022 में बत्तीसवा शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था यह भी दो तीन दिन पहले पढ़ाया था जब दो के सभी के सभी शिखर सम्मेलन कराया था ठीक है बताइए बताएंगे कहां पर हुआ था स्पेन मैड्रिड में वेरी वेरी गुड था कहां पर स्पेन मैड्रिड में तो ये सभी चीजों को बाबू ना याद करते चलेंगे ठीक है याद करते चलेंगे मुझे बड़ा खुशी होता है कि जब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पहले करंट अफेयर याद हो नोट तो बनाते थे याद नहीं होता था अब याद हो रहा है तो अच्छी बात है अब याद हो रहा था तो युद्ध अभ्यास किस देश के साथ सैन्य अभ्यास हो जाता है जो आयोजित किया जाएगा अक्टूबर में किया जाएगा

बजर प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया कमेंट करके बताएंगे बजर पहर का आयोजन कहां पर किया गया जल्दी से कमेंट कर बताएंगे ठीक है सबस और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो कम से कम बच्चे जितने उसका आधा लाइक है। अरे भाई साहब उतना तो बनता है ना रेशियो हंड्रेड इनटू 100 होना चाहिए रेशियो क्या होना चाहिए रेशियो तो बराबर होना चाहिए बकलो हिमाचल प्रदेश में कहां पे दोस्त बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में जितना लॉर्सन टर्बो ने एंड टर्बो ने आईटी और आईटीएस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया याद रहेगा यह गुजरात के साथ ठीक है गुजरात के साथ आगे बढ़ते हैं गुजरात में बहुत सारी चीजें हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आपातकालीन आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया हाल ही में इंडियन ऑयल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिसेंटली साइंड मोमेंट एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर इमरजेंसी सप्लाईज याद रखा ये बांग्लादेश के साथ किसके साथ बांग्लादेश के साथ के थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बढ़ लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पर बनाया जाएगा तो ये ना थोड़ा सा इसमें डाउट होता है कभी कहां पर कभी कहां पर इसको आप लोगों को ना कल एक वीडियो बनाकर सेपरेट कर देता हूं ठीक है सेपरेट आपको बता देता हूं चलेगा ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है डू डिफरेंट अनटोल्ड स्टोरी ऑफ धोनी डू डिफरेंट डू डिफरेंट द अनटोल्ड स्टोरी धोनी द अनटोल्ड धोनी डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी यह किताब अमित सिन्हा और जय भट्टाचार्य के द्वारा

रुक जा मित्र अभी रुक जाएंगे अभी आप लोग रुक जाएंगे कहीं जाना नहीं ठीक है कहीं जाना नहीं कहीं जाना नहीं रुक जाओ कहीं जाना नहीं है ठीक है ये तो प्रश्न यहां पर खत्म हो गया ये प्रश्न यहां पर खत्म हो गया कैसे हुआ पचहत्तर पैंसठ हुआ एक मिनट मित्र एक मिनट कहीं जाइएगा मन कहीं जाइएगा नहीं ठीक है कहीं जाने की जरूरत नहीं है कहीं जाने की जरूरत नहीं है ठीक है हाउ दिस इज पॉसिबल ठीक ये कैसे हैं चलेगा तो क्या करते हैं ना आप आपको कोई और रिवीजन करना तो वो बतेगा रिवीजन करना तो बतेगा नहीं तो रात में वो कर लेंगे ठीक है रात में मुझे लग रहा है ना यार फाइल सही से, से नहीं हुआ। मेरे लैपटॉप में तो दिख रहा है यार मेरे लैपटॉप में तो दिख रहा है इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन है मेरे लैपटॉप में तो बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन बने हैं फाइल तो मेरे पास दिख रहा है फाइल तो दिख रहा रिवीजन को डेली वाले करा देंगे, कल का पीडीएफ नहीं दिया कल का पीडीएफ डाल देंगे चलेगा तो कोई बात नहीं मित्र इस सेशन को यहीं पे रोक लेते हैं ठीक है इस सेशन को यहीं पे रोक लेते हैं आशा करूंगा कि आपको पसंद आएगा और उसके लिए माफी चाहूंगा रात में दस बजे ठीक है रात में आज नौ बजे जुड़ेगा बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स करा दूंगा ठीक है बहुत ही सुंदर सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा सेशन कैसा लगा तो आज रात याद रहेगा आज रात नौ बजे ठीक है आज रात नौ बजे ठीक है आज रात नौ बजे आप टॉपिक बता दीजिएगा मैं आपके सामने कुछ एडवाइस दे रहा हूं ठीक है कुछ सजेशन मांग रहा हूं जैसे कि एक जो मैं करा सकता हूं दो घंटे में एक तो पूछे स्पोर्ट्स ये पहला एक टॉपिक है स्पोर्ट्स इस टॉपिक को करा लू दूसरा आप मुझे बताएगा अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट भी होगा तो एक ही पार्ट में होगा अपॉइंटमेंट भी होगा तो एक ही क्लास में हो पाएगा अपॉइंटमेंट घंटा में बाकी नहीं तो आप लोग जैसे छोटे छोटे हो सकते हैं सैन्य सेशन में मतलब कि ये ज्यादा हो सकता है इंडेक्स करा सकते हैं इंडेक्स वगैरह करा सकते हैं अभ्यास हो गया इंडेक्स हो गया ये सारे चीजें बताएंगे ये तीन टॉपिक आप लोग बताएगा कि कौन सा टॉपिक आप लोग करना चाहते हैं रात में दस बजे कौन सा टॉपिक खासतौर पर ठीक है अपॉइंटमेंट वगैरह बताएंगे कौन सा करना चाहते हैं और जिन साथियों नेहत्तर और बताइए मित्र आपको सेशन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएगा ठीक है ठीके? किसी को कोई डाउट वगैरह है तो बताएंगे सर कल का पीडीएफ नहीं अभी देख स्पोर्ट्स ही करा दो चलो स्पोर्ट्स करा देता तो सर आप दोनों कहाँ गए थे आप और मोहित सर मैं और मोहित सर गए थे कुछ आप ही लोग के हित में कुछ काम करने के लिए ठीक है नए नए चीजें को जुड़ने के लिए बहुत सारे चीजों करने करने के लिए आप ही लोग के लिए ठीक है धन्यवाद ऑल टेक हिंद अभी जाता हूं आपके लिए स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन बनाता हूं ठीक है धन्यवाद लवय धन्यवाद एक बोला सर आधा मजा अरे नहीं ऐसा मत करो जिन साथियों ने लाइक नहीं है लाइक जरूर कर लेंगे ठीक है और याद रहेगा एस के लिए जुड़ जाओ ठीक है सीजीएल के लिए जुड़ जाओ कल सुबह से ही क्लास अटेंड करना चालू कीजिए नए और कॉपी के साथ परेशान मत होइएगा और आप खास तौर पे जितने मेरे प्यार साथ डेली क्लास को देखते हैं वो बताइएगा ठीक है बताइएगा कि कैसे क्लास चलती है अपनी सीजीएल की तैयारी करना है तो अगर वो करें आपको तो पूरा पता है ना कि अगर आप पूरे महीने पूरे साल का करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं लेकिन अगले दो तीन महीना मेरे साथ पढ़ते हैं तो पूरे साल का करंट अफेयर कैसे तैयारी कराई जाती है आप उन्हें कमेंट कर आप उन्हें जरूर बताएगा पर्सनली बताएगा ठीक है कल वाली सुबह वाली क्लास में धन्यवाद लव यू ऑल टेक केयर जय हिंद